हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैडल इक्वेशन में पोलर फॉर्म में कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसा रिलेशन? मान लो एक कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी कर्व के अनुदिश इन आर थीटा, ऐसे, ठीक है। और टी समय पश्चात मान लो वो पॉइंट पी पर है जिसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? आर थीटा में, यानी कि पोलर फॉर्म में। ये इनिशियल लाइन होगी और ये होगी रेडियल लाइन जो एंगल बना रही है थीटा का। इस पॉइंट पी पी में एक टेंजेंट खींच रहा हूं, मींस स्पर्श रेखा। वह स्पर्श रेखा इनिशियल लाइन के साथ एंगल साई बना रही है। इनके स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। और जो रेडियल लाइन और जो टेंजेंट लाइन है, इनका जो क्रॉस के बीच में इनका जो एंगल है, इसको मैं नोटेशन दे रहा हूं फाई। यानी कि ये वाला एंगल भी क्या हुआ? फाई। तो ये हमारा है डायग्राम। तो कोई पार्टिकल क्या है, टी समय पश्चात बिंदु पी पे और कुछ समय बाद वो क्यू बिंदु पे आ जाता है थोड़ा सा विस्थापन करने पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। और ये रेडियल एक्सिस जो इसकी, ये वाली, इसके इसकी लंबाई है आर प्लस डेल आर, ये है आर, और इनके बीच में जो एंगल है वो डेल थीटा। ये बिंदु जो वो ओ पोल है ये, और ये इनिशियल लाइन एक्स एक्स या जो भी। तो ये हमारा डायग्राम है। अब हमें इस फाई में रिलेशन लाना है, मतलब टेंजेंट लाइन और ये कौन सी लाइन है, रेडियल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है फाई, इनका कोई एक रिलेशन आएगा टेन फाई इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी थीटा। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। तो सबसे पहले देखो, एक चीज नोट करनी है हमें, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें, क्या कि इस पॉइंट क्यू पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, जिसका मैं नोटेशन दे रहा हूं एम, ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसे जैसे ये एक एंगल, ये मान रहा हूं मैं, ये वाला एंगल फाई से थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट हमारे बिंदु पी पे आएगा, बिंदु पी पे आएगा, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, ये फाई बन जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो यहां के रुक जाएगी, है ना, ये लाइन यहां के रुक जाएगी, यानी कि बिंदु क्यू पे पहुंच जाएगा। तो हमारा जो ये वाला एंगल है वो कहां आ जाएगा, फाई पे बन जाएगा, यानी कि एंगल क्यू पी एम टेंस टू फाई एज क्यू टेंस टू पी, आई ना बात सुन में। तो हमें क्या दिया हुआ है, फाई एंगल आएगा कब, जब क्यू टेंस टू पी एंगल क्यू पी एम, क्यू पी एम जो एंगल है वो फाई बन जाएगा कब, जब क्यू पॉइंट है वो P पे आएगा। अब एक चीज और नोट करो, यहां पे Q P पे आने का मतलब क्या है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल, मतलब डेल थीटा वो जीरो पे आ जाए, यानी कि फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो एंगल Q P M। बिल्कुल बेसिक चीज है ना, ठीक है। अब देखो, दोनों तरफ मैं टेन ले रहा हूं, दोनों तरफ टेन थीटा लगा रहा हूं, तो टेन
फाई, सॉरी थीटा नहीं फाई, टेन फाई इज इक्वल टू टेन लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो एंगल क्यू पी एम, ये लिमिट है वो बाहर आ जाएगी, लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो टेन एंगल क्यू पी एम। तो ये पूरा एंगल है ये वाला क्यू पी एम। तो देखो यहां पे मैंने ये वाला क्या स्पर्श इसके ऊपर लंब डाला हुआ है, स्पर्श इसके ऊपर एम के ऊपर लंब डाला हुआ है, ठीक है, क्या ये एम के ऊपर लंब है। तो हमें ये वाला एंगल गिवन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, या फिर टेन फाई है या फिर टेन दिस है, क्या होगा टेन एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू क्या होता है आधा बटे लंब होता है, आधा मतलब पी एम, सॉरी लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, क्यू एम बटे आधार क्या है पी एम। इतना सब क्या आ गया समझ में। अब देखो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे पी एम और क्यू एम की, यानी कि टेन फाइव इज इक्वल टू आ चुका है अपने पास लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो और क्यू एम बाय पी एम। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लो जिसमें ये वाला थीटा डेल थीटा एंगल ले रहे हैं हम, तो इसके अनुदिश देखो क्यू एम, क्यू एम ये वाले निकालनी हो हमें, पता कौन सी है आर प्लस डेल आर हमें पता है, तो कर्ण हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देखना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है साइन थीटा वाला होता है, क्या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि क्यू एम बटे आर प्लस डेल आर, यानी कि क्यू एम, क्यू एम इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, ये आ चुका है अपना आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल थीटा, क्योंकि अपन ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें एंगल क्या हमारा डेल थीटा है। क्यू एम आ चुका है, अब हमें निकालनी है पी एम। पी एम देखो ये पूरी निकाल लें और इसमें से ये आर घटा दें, इसकी वैल्यू क्या है आर घटा दें, तो हमारी क्या आ जाएगी पी एम आ जाएगी। तो आप क्या करो पहले पूरी निकाल लो, ओ से एम तक निकालो, ओ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, वो क्या होता है कॉस डेल थीटा, यानी कि कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब ओ एम बाय आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर। तो अगर हम ओ एम में से पी ओ घटा दें, ओ एम में से पी ओ घटा दें, तो ओ एम में से पी ओ घटानी है यहाँ पे, ओ एम माइनस पी ओ, पी ओ मतलब आर और ओ एम का मतलब आर प्लस डेल आर इंटू कॉस डेल थीटा। इतना सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, ऊपर कुछ नहीं करना, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या क्या हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो पहले इसका रख लो, क्या करोगे आप डेल आर कॉस डेल थीटा प्लस यहाँ से हम आर कॉमन लेंगे इसमें से, ये आर कॉस डेल थीटा माइनस आर, तो जब आर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा कॉस डेल थीटा माइनस वन बचेगा। सबको समझ में आया ना। लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो ऊपर आर प्लस
डेल आर साइन डेल थीटा और नीचे डेल आर कॉस डेल थीटा और प्लस आर। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस वन, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है, यानी कॉस टू थीटा मान लो, ये कॉस टू थीटा बराबर होता है, कॉस वाला फॉर्मूला यूज करूँगा मैं, यानी कि वन टू साइन वाला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। यानी कि हमें क्या होता है, ये इस साइड लाके माइनस वन चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोस थीटा माइनस वन चाहिए, कोस थीटा माइनस वन चाहिए, तो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू नहीं, डेल थीटा बाई टू, डेल थीटा बाई टू। इतना सबको समझ में आ गया ना। अब मैं ऊपर नीचे डेल थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी डेल थीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी डेल थीटा से, तो एक बार इसके नीचे आ गया और एक बार इसके नीचे आ गया, अलग अलग से, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, साइन थीटा बाय थीटा, जब थीटा टेंस टू जीरो तो वन उसकी वैल्यू होती है वन, लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो, तो ऊपर ये क्या होगी वैल्यू वन, यानी कि आर प्लस डेल आर इंटू वन, और डिवाइड में ये होगी डेल आर बाय डेल थीटा इंटू कॉस डेल थीटा और माइनस टू आर। एक बार मैं साइन थीटा के नीचे लिख रहा हूँ, या आप इसको नीचे भी ला सकते हो ना, टू को इसके नीचे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन डेल थीटा बाय, सॉरी टू था ये, टू और इंटू साइन डेल थीटा बाय टू, स्क्वायर था ना, उसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट, अब आप डेल थीटा की वैल्यू जीरो पुट करवा दो, ये तो वन हो गया। यहाँ पे देखो डेल थीटा, डेल आर अपॉन डेल थीटा क्या बन जाएगा, डी आर बाय डी थीटा, और कोस जीरो, क्योंकि डेल थीटा क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, यानी कि कोस जीरो वैल्यू वन, तो ऊपर तो आ गया। और देखो जब थीटा, डेल थीटा टेंस टू जीरो होगा, यानी कि डेल थीटा टेंस टू जीरो होगा, तो ये आर प्लस डेल आर क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी, यानी कि डेल आर टेंस टू जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो, तो ऊपर आएगी आर, नीचे क्या आएगा, ये डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा इंटू में वन, माइनस ये वैल्यू क्या बन गई, वन आर इंटू वन, और ये साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, आर बाई डी आर बाई डी थीटा, यानी कि आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो अपने पास जो रिलेशन है वो आ चुका है, टेन फाइव था ना, टेन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी आर, ये रिलेशन आप ध्यान में रखो। ये पूरा डेरिवेशन था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आया वो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज आप एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार जरूर पूछ लें। तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है, टेन फाइव इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाय डी आर। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने टेन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर प्रूव किया है, ये किस में है, पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट डेल फाइव को हम एक्स वाई में फाइंड करेंगे, एक्स वाई में उसकी वैल्यू क्या होगी, टेन फाइव की कुल, फाइव आपको पता है ना कौन सा एंगल है हमारा, फाइव जो है ये मान लो पी है, ये स्पर्श रेखा साई एंगल बना रहा है, और ये रेडियल लाइन,
तो इसके बीच में जो एंगल है फाई, इसके बीच में जो एंगल है फाई, ये क्या है थीटा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या कि ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस साई, समझ में आ गया। तीनों एंगल का योग क्या होता है 180, यानी कि थीटा प्लस फाइ प्लस 180 माइनस साई इज इक्वल टू 180, 180 से 180 गया जीरो, ये साई इस साइड चला गया, मतलब थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू साई, ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। इसी रिलेशन की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखो यहां से फाइ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई माइनस थीटा आ जाएगा, यानी कि फाइ इज इक्वल टू साई माइनस थीटा। आप इसके दोनों तरफ टेन ले लो, टेन फाइ इज इक्वल टू टेन साई माइनस थीटा, और टेन ए माइनस बी या टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन साई माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन साई टेन थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो वो जाके इलेवेंथ क्लास की बुक में देख ले एक बार। नेक्स्ट, अब हमें टेन साई का मतलब जानना है क्या होता है। साई एंगल कौन सा है हमारा, कोई भी कर्व है जिसके ऊपर पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई भी ले सकते हैं, आर थीटा भी ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पे डाले गए स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया एक्स एक्स के साथ एंगल वो क्या है, साई है। तो अगर मैं टेन साई लूं तो उसको बोलते हैं हम प्रवणता या फिर स्लोप, और स्लोप क्या होती है डीवाई बाय डीएक्स, यानी कि टेन साई इज इक्वल टू क्या हो गया डीवाई बाय डीएक्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, चूंकि टेन साई इज स्लोप, इसका मतलब डीवाई बाय dx। अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से हम नीचे x एक्स पे एक लंब डाल देंगे। तो इस लंब की इससे दूरी कितनी है x, और हाइट कितनी है, यानी कि ये लंबाई कितनी है y, क्योंकि हमारे p के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, समझ में आ गया ना। यही तो करते हैं हम, कोई भी पॉइंट होता है उसके निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं, ये वाला x और हाइट वाली क्या होती है y। तो यहां से ये एंगल थीटा है, तो क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय बेस, ये होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय x, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स डिवाइड बाय वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स और y बाय एक्स, एक्स इनमें सब में एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लोगे तो ये एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, और नीचे लोगे तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स और एक्स एक्स काट दो, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है टेन फाइव का। तो आज के लिए बच्चों ये टेन फाइव का फॉर्मूला।